हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करना जनाब तुसी सारे बिल्कुल ठीक होवोगे, और मैं भी जनाब अल्लाह दे फजलो करम नाल बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और अज एक और नवा वीडियो लैके जनाब तुहाडी खिदमत विच हाजिर होए हैं। और बर्फ का सिलसिला जारी, तकरीबन हर वीडियो ही तुहानू दसीदा है। बस इतने फिर यही सिलसिला होंगे। पिछला साल तुहानू अगे वीडियो ही दसे कि पिछला साल ही मिस होया, वरना इतने तो जनाब बर्फ ही होंगी सर्दियाँ जड़ा ना। बहरहाल इतने रह रह के जड़ा सानू तो नहीं पता लगता कि बर्फा का ये वो वगैरह। नवा आवन वाले बंदे जड़े होंगे ने उन्होंने होंगे थोड़ा जहा कि क्योंकि मुश्किल होंगे एकदम इस तरह के सिलसिले चलना। फुट फुट दो दो बर्फ पई तो फिर बंदे थोड़ा जहा अजीब लगता है। आज का वीडियो जनाब साडा स्पेशल स्पेन ते फ्रांस ते कि उतू तुसी किस तरह आ सकते हो ते केड़ा कार्ड होना चाहिए तुहाडे कोले उतू आवन वास्ते। तो लिहाजा अज जनाब टॉपिक जिहड़ा साडा वो स्पेन ते फ्रांस ते, क्योंकि अक्सर तुहाडे दोस्तों के कॉमेंट्स मैसेज होंदे ने कि सानू दसो केड़ा कार्ड अवे जिदे ते असी आ सकने हैं। तो लो जनाब चलने हैं थोड़ा जहा अगे तो आराम नाल इस टॉपिक ते गल करने हैं। तुसी किस तरह केड़ा कार्ड होना चाहिए और तुसी किस तरह पेपर जमा कराने ने, की चीज़ा चाहिए ने, उस टॉपिक ते करने हैं। आ जाओ मेरे नाल जी दोस्तों। हाँ जी, करने हैं जनाब वीडियो शुरू। सब तो पहला तो जनाब ना ही कोई छे महीने वाला, ना कोई साल वाला, ना कोई दो साल वाला कार्ड। ये मसलन इतने तुसी इदे ते आके पेपर चेंज कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। इदे ते आके तुसी विजिट कर सकते हो, आके फिर टुर सकते हो, बस इतना है। तो जनाब इदे वास्ते तुहानू चाहिए ने स्पेन और फ्रांस वास्ते, तुहानू इस साइड ते भी नज़र आ रहा झंडा भी, और इस साइड ते भी तुहानू झंडा स्पेन का फ्रांस का नज़र आ रहा। और केड़ा केड़ा जनाब मेरी तुहानू कार्ड चाहिए ये भी नज़र आ रहा। और कहदा मैं इधर मोबाइल पर भी खोले है, मसलन फ्रांस वास्ते सानू लोंग इंग्लिश जेड़ा लोंग टर्म रेजिडेंट कार्ड सी प्रियोर टू 20 जून 2011, यूरोपियन कम्यूनिटी आफ्टर 20 जून 2011, ए कार्ड जनाब चाहिए थानू। और ए फ्रेंच भी जनाब बोल Résident de longue durée, CE, prior to 20 June 2011, carte de résident de longue durée, communauté européenne, after 20 June 2011. जी फ्रेंच च भी तुसी जनाब सुनिया है, क्योंकि मैनू फ्रेंच नहीं आती, लिहाजा मैं पुठे सीधे लफज बोलने सी, इस वास्ते मैं फ्रेंच विच भी तुहानू सुना दिता है। और दूसरा जनाब का जेड़ा है रेजिडेंट स्पेनिश, ओदा भी जनाब तुहानू एक मिनट मैं काट के देना। और रेजिडेंट स्पेनिश जेड़ा जनाब वह भी तुहानू चाहिए लोंग टर्म रेजिडेंट ईयू। और स्पेनिश च की उन्हों आखते ने वह भी मैं तुहानू दसना। ठीक है जी, ए हो गया कन्फर्म। और ए तुहानू मैं अगे भी कहा कि मेरे दो साइडां दे फोटो नज़र आ रहे ने कि केड़ा केड़ा कार्ड चाहिए, और बकायदा नाल लिखे आ भी है। ये सब तो पहला ये कन्फर्म करना है। और हूँ चलने हैं जनाब अगे वीडियो दी तरफ। और अगर तुहाडे कोले दोवें मुल्कां दा सेम है, इत्थे मसलन तुहाडे कोल अगर दोवें कार्ड ने ना पेपर जमा कराने का सेम रूल्स है, यानी कि तो स्पेन का वक्रा है या फ्रांस का वक्रा है। जिस वेले जनाब तुहाडे कोले एक कार्ड ने, तुसी इत्थे आ के सब तो पहला तुहानू एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मेन जिहड़ी बुनियाद है कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। फिर तुसी जाना है टैक्स ऑफिस, उत्थे अपना नंबर अप्लाई करना है, टैक्स नंबर, कोर्डिनेशन नंबर, और बाद तुसी जाना है इमीग्रेशन दफ्तर। और तुहानू चाहिए कार्ड अपने असल नाल, पासपोर्ट, और अगर तुसी फैमिली दे पेपर, अगर जिस बंदे दी शादी हुई है
वो अपनी फैमिली दे पेपर भी नाल लै के जमा करा सकता है। और वो वास्ते चाहिए तुहानू पाकिस्तान तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट और नादरा कोलू मसलन तुहाडा फैमिली सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट और इटली सॉरी स्पेन और फ्रांस के सेम ही रूल्स ने, नहीं कि कोई मुख्तलिफ ने। निकाहनामा इंग्लिश यूनियन कौंसल अपनी लैके निकाहनामा बर्थ सर्टिफिकेट ये सारिया चीज़ा और आइए तक जो रूल जा रहे हैं ना इतने स्वीडन के वो ये कोई नहीं किधरे भी कि तुसी नू टेस्ट भी कराओ। और मैं मौजूदा जिस वेल तक वीडियो बना रहा ऐसा कोई कानून नहीं आया ना उन्हें कहा कि तुसी इन्हां नू पाकिस्तान तो टेस्ट करा के लैके आवो या इस तरह बिल्कुल नहीं है क्योंकि तुसी ओरिजिनल वो पेपर लैके ते नाल अपने बच्चियां दे तुसी लै के नाल कट्ठा अपना केस जमा करा सकते हो। ये नहीं कि पहला तुसी कराओ तुहाड़ा कार्ड आवे और इन्होंने बहुत अच्छा ऑप्शन रखे अगर तुसी कट्ठा केस जमा कराते हो तो तुहाड़े सारे फैमिली दे और तुहाड़े भी पेपर किट्ठे मसलन लभणगे कार्ड पांच पांच साल का सब नू कार्ड मिलेगा और पांच साल का कार्ड उस सूरत ते मिल सकता है अगर तुहाड़े कोल कॉन्ट्रैक्ट है दो साल का या दो साल तो उपर जिन्हों इतने फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और खुदा नखास्ता अगर तुहाड़े कोल तीन महीने का या छे महीने का है और अगर तुसी पेपर जमा करा देंदे हो स्टार्टिंग विच असल असूल तरीका यही है तीन महीने का देंदे ने फिर अगो वेखते हैं कि बंदा साढ़े ते पूरा उतरदा तो फिर छे महीने का और फिर अगर मसलन फास्ट दे देंदे ने। बहरहाल तुसी ये भी कह सकते हो उसनू कि मनु मजबूरी है मैं पेपर जमा कराने ने अगर मैं तीन महीने का लाया कॉन्ट्रैक्ट इधर तो यह भी हो सकता है मेरे पेपर छे महीने का कार्ड आ जाए वो वो तुहाड़ा भी आ जाने नाल बच्चों के भी आ जाने तो वो तुहाड़े वास्ते मुसीबत बन जानी अगर तुसी छे महीने के अंदर नहीं बुलाते हैं बच्चे जाहिर हो तो तुसी बुलाने ही बुलाने ने उंज तो वैसे अगर तुहानू पांच साल का मिलता कार्ड तो तुहाड़े कोल टाइम हुंदा लो जी मैं मकान अपना लैना सोच समझ के पांच छे महीने वेख के फिर मैं अपने बच्चों नू सारे फैमिली नू मंगा सकना। तो जनाब तुसी एमीग्रेशन जमा कराने वास्ते तुसी जाना अगर तुहानू नहीं पता तो तुसी एमीग्रेशन जाओ ऑफिस वो फार्मा दे नाँ ने वो तुसी उन्हां को पूछो बच्चे कितने ने दो ने बच्चे दो बच्चों के वक्रे ने तीन ने उन्हां दे उतने फार्म लैके अपना लैना है और सारे वो फार्म तुसी लै के अगर खुद कर सकते हो बड़ी अच्छी गल है तुसी किसी भी पढ़े लिखे बंदे को इत्थे सब नू इंग्लिश आती है तकरीबन और उन्हां कोले भी फार्म होंदे ने एमीग्रेशन अगर जाओ ना तुसी उत्थे एमीग्रेशन दफ्तर उत्थे भी उन्होंने फार्म रखे होंदे ने और कदे कदे फार्म वाम लै जांदी है नहीं होंदे और वो दसदे ने उन्हां को पूछो ना मेरे तीन बच्चे ने बीवी है मैं इतनी ऐसी फैमिली दे तुहानू उस हिसाब नाल लिख देंगे ए वैबसाइट साड़ी ए तुसी ए पेपर के ना ने उत्ते नंबर होंदा 35 40 30 35 इस तरह करके वो जनाब तुसी लै के वो फिल करके जमा करा देने ने और उस तो बाद तकरीबन एक हफ्ता लगना तुहाडे केस जड़े ने वो पेपर जड़े ने घर लैटर आवणगे उन्होंने उत्ते केस नंबर लिखे आएगा ये याद रखना है। और जिस वेले तुहानू हफ्ते बाद आ जाते हैं ना पेपर कार तुहाडा केस उन्होंने जमा कर लिया होंदा अगू तुसी प्रोसेस जड़ा वो दूसरा शुरू करना होंदा है कि फीसा पे करनिया ना और मैं नोट कर लेनी गल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कॉन्ट्रैक्ट दे नाल सारा कुछ जमा हो रहा है। हाँ जी और जमा कर जिस वेले तुहाडे पेपर सारे तुसी फिल कर लेने ने तुसी एमीग्रेशन ऑफिस भी उन्होंने रखे है बॉक्स उत्थे ही एक लैके लिफाफा जिहा उहदे पा के तुसी उत्थे भी कर सकते हो दूसरा ऑप्शन है तुहाडे कोल नहीं टाइम है तुसी एमीग्रेशन का एड्रैस लै के घर तुसी पोस्ट कर सकते हो किसी भी नज़दीक जाके ना पोस्ट ऑफिस इत्थे जगह जगह ते बने ने और तुसी उत्थे भी कर सकते हो। बहरहाल मैं बेहतर समझना कि अगर तुसी एमीग्रेशन जाते हो ना वो तुहानू 100% तसली होंदी है वो तुहाडे कोल लै के ना लिफाफा तुहानू देणगे उहदे विच तुसी अपने हत्थी पाओगे उन्होंने कोल चले जाते हैं लिहाजा अच्छा यही होंदा मेरे ख्याल ये बेहतर आइडिया है।
ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਲਿਖੇ ਸੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰ ਫੀਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਬਰਲ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੈਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਆਪਣੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੋਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਸਪੇਨ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰੂਲ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜਨਾਬ ਕੋਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕੇਸ ਆਫੀਸਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਆਫੀਸਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਨਾਬ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨੰਬਰ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਲਵਾਇਆ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਇਹ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ 2015 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜੇਕਰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਦਾ ਸੇਮ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾ ਸੀ ਚਲੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਾਰਡ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਹ ਤਾਂ 2015 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਯੇ ਵੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਸਕਾਤੇ ਵਰਕ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਖੈਰ ਮੇਰੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਡਰੈਸ 'ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਡਰੈਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਡਰੈਸ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਰੈਸ ਕਿਰੇ ਦਾ ਉਹ ਆਖ ਸੜਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇ ਸੜਾਂ ਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਰੈਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਆਪੇ ਦੇ ਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੈਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੇ 'ਚ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸੈਲਰੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ
इतने मैं दा टैक्स तार है वह सारी डिटेल उस सैलरी ते लिखी आवेगी। ये याद रखना है क्योंकि किसी भी बंदे को काम नहीं करना उस को जेड़ा तुहानू हाथ च पैसे देवे या इस तरह करके, बिल्कुल नहीं। और अगे चलने जनाब, जिस वे तुसी दो तीन महीने लगातार कर रहे हो काम, हाँ तुसी अपनी पे स्लिप उन्होंने सेंड भी कर सकते हो, अपने इमीग्रेशन ते अपना लिख के ना केस नंबर तुसी सेंड कर सकते हो, वो तुहाड़ियां तुहाड़े केस दे नाल अटैच कर देंगे। मैं भी हो सकता वेखणगे कि जनाब रेगूलर जा रहे काम इहदा, ते इहदा केस असी जल्दी क्लीयर कर देवे। ये भी होंगे और कोई केस ऑफिसर ने वो तुसी नहीं भी ना सेंड कर दे, वो ऑटोमैटिक जनाब तुहाड़े को मंग लैणगे दो महीने बाद, चार बाद, छः बाद कि हाँ जी मैनू अपना कॉन्ट्रैक्ट दे ते पे स्लिपां दे। हाँ अगर तुसी उस बंदे को लगे हो तो तुहाड़े को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट होना है और पे स्लिपां भी उस जाहिर कंपनी दियाँ शो होंदियाँ होनियाँ, तो उन्होंने कहना कि बस ठीक है। और जिस वेले तुहानू मिल जाता है, जिस वेले तुहाड़े को मंगते हैं तो तुसी देंदे हो, उस तू अगे तो यह होंगे सी दो हफ्ते के अंदर वो क्लीयर कर देंगे। सो हूँ वाम क्योंकि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो रही है, महीना भी लग सकता, दो महीने भी लग सकते हैं। हाँ जी, और एक और गल याद आई है कि तुसी एमीग्रेशन पेपर जमा करा के फीसा पे करके, क्योंकि वीडियो बनाद काफ़ी सारिया गल् सहने होंदिया ने जिड़ियाँ अगे पिछे हो जाए। और इस वे जिते मैं वीडियो बना रहा ना, यह सब है पानी वाली झील है, यकीन करो यह सारा मैं थोड़ा एंड ते विखाना थोड़ा जहा व्यू, यह सब झील के उत्ते मैं खड़े हाँ। और यह ही मैं वीडियो घर भी बह के बना सकता सी, बहरल नहीं तुहाडे नाल रीयल चीज़ा, रीयल गल्ला और रीयल जगह सारा कुछ शेयर करने वास्ते यह करना पैंदा। तो वो जनाब तुसी बुक करना टाइम किसी दोस्त नू कह लवो, या अगर तुसी खुद कर सकते हो एमीग्रेशन की वैबसाइट पर जाके और उत्थे लिखे है बुक योर फिंगर टाइम अपॉइंटमेंट, इस तरह करके हूँ मैं क्लीयर याद नहीं की, तो वह बड़ा ईजी तो बड़ा आसान है। वह तुसी किसी दोस्त की मदद नाल खुद भी कर सकते हो अगर तुहानू इंग्लिश आती, अगर नहीं आती हर डेरे ते हर जगह ते जिथे भी तुसी रहिंदे हो कोई ना कोई बंदा हुंदा है, वह जानते हुंदे ने इत्थे और जिहड़े प्रोसेस जो बंदा गुजरे है वह हैल्प करते हैं। हाँ जी, तो वह तुसी टाइम बुक कर लेना है, अपनी फोटो देनी है, अपने फिंगर देने ने, तुसी बिल्कुल फारग हो जाओगे। क्योंकि अगर तुसी नहीं भी ना दिते, नहीं कोई प्रॉब्लम मसला है, अगर नहीं दिते जिस वो तुहाडे केस क्लीयर होंदा है ना, तुहाडे घर लैटर आवणगे कि अगर तू फिंगर दिते ने, फोटो दिते ने, ते तेरा एक हफ्ते बाद कार्ड घर आ जाएगा। अगर नहीं दिते तो तू जाके टाइम लै ते फिंगर दे ते तेरे फोटो दे ते तीन हफ्ते बाद तेरा कार्ड घर आ जाएगा। लिहाजा इस वास्ते अच्छा बेहतर है ये कि तुसी अगर स्टॉकहोम सिटी चो इत्थे टाइम लेना पैंदा, अगर तुसी एक दो और एरिया उपसाला मेरे ख्याल च उत्थे भी अगर तुसी जमा कराते हो, वो फोटो पहला तो ऐसी सिस्टम फोटो फिंगर कट्ठे ही ले लेंदे केस तुहाडे दे नाल ही। बहरहाल मैं स्टॉकहोम सिटी की गल कर रहा, इतने टाइम बुक करना पैंदा। और मैं भी हो सकता और दो तीन एरिए ने मेरे दोस्त इतों, एक दो सी अल्बानिया मुल्क है उत्थे दे, क्योंकि वो फैमिली नाल सी, वो कह रहा सी कि मैं इको बारी सारा कुछ बुक करना है, तो लिहाजा उन्हें उत्थे ही जाके सारा कुछ टाइम तो बगैर तुसी जाके फिंगर भी दे सकते हो, फोटो भी, अपना केस भी जमा करा सकते हो। तो ये जनाब चंद जरूरी गल्लां ये स्पेन फ्रांस वास्ते। और मैं फिर एक बारी है पिछे तुहानू दिखाए ने दो तीन बारी स्पेन भी फ्रांस के वास्ते केड़ा कार्ड चाहिए है। लिहाजा अक्सर दोस्त आते हैं दो साल का मेरे को त्रै दा ये वो नहीं, वो चलते हैं तुसी विजिट कर सकते हो खाली, बाकी तुहाडे कोल ए कार्ड होने चाहिए ने ते तां तुसी आ सकते हो। तो बहुत शुक्रिया जनाब सब दोस्तों का, सही गल हाथ फ्रीज हो गए ने, ते तुहानू जनाब थोड़ा जहा मैं विखाना वेखो के नाल दा मैं जिस जगह पर बना रहा सी, और मेरा ट्राईपोड भी तुहानू विखाना, एक मिनट ऐ मेरा ट्राईपोड सी जनाब, और मैं इनू ओ तू पट के लियांदा ते ऐ इत्थे मैं जनाब मेरी सिर्फ और सिर्फ तुहाडे नाल वीडियो शेयर। और ऐ जनाब ऐ सारी झील फ्रीज होई है और इत्थे थले ऐ सब पानी है। हाँ जी, और अक्सर मैं विखाई भी है वीडियो काफ़ी दफ़ा कि
ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਇਹ ਜੰਮੀ ਹੈ ਝੀਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਗਰੂਬ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਚਲੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਮ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੰਜ਼ਰ। ਔਰ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਪਈਏ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜੰਮੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਾਬ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਅਰਸਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਨਾਬ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ। ਓਕੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ।